ऑल माय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, इसलिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने जंगल क्रूज और जंगल बुक नाम की मूवी तो देखी ही होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि जंगल बुक मूवी में दिखाया गया 3D टाइगर और जंगल क्रूज मूवी में दिखाया गया 3D लेपर्ड में क्या फर्क है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जंगल बुक मूवी में दिखाया गया 3D टाइगर बहुत ही महंगा 3D टाइगर है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, लेकिन जंगल क्रूज मूवी में दिखाया गया 3D लेपर्ड कितना महंगा है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल क्रूज मूवी में दिखाया गया 3D लेपर्ड बहुत ही सस्ता है, क्योंकि लेपर्ड के एनिमेशन में ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। जंगल क्रूज मूवी में दिखाए गए 3D लेपर्ड को LP एनिमेशन से बनाया गया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि LP एनिमेशन का मतलब लो प्राइस एनिमेशन होता है। हाँ दोस्तों, आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन 3D लेपर्ड का एनिमेशन इतना महंगा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एनिमेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जंगल बुक के 3D टाइगर की बात की जाए तो वो बहुत ही महंगा 3D टाइगर है, क्योंकि इस 3D टाइगर के एनिमेशन के ऊपर पानी की तरह पैसे बहाए गए हैं। जंगल बुक मूवी में दिखाया गया टाइगर एक्चुअली MP एनिमेशन के ऊपर बनाया गया है। MP एनिमेशन का मतलब होता है मीडियम प्राइस एनिमेशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि जंगल बुक मूवी का 3D टाइगर इतना महंगा क्यों है और जंगल क्रूज मूवी का 3D लेपर्ड इतना सस्ता क्यों है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जंगल बुक मूवी में दिखाया गया 3D टाइगर इतना रियलिस्टिक है कि आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे। और इस 3D टाइगर के ऊपर एक साल तक रिसर्च की गई थी और इस 3D टाइगर को एनिमेट करने में 2 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा एनिमेशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल बुक के 3D टाइगर के एनिमेशन के ऊपर पानी की तरह पैसे बहाए गए थे, लेकिन अगर जंगल क्रूज के 3D लेपर्ड की बात की जाए तो इस मूवी में लेपर्ड के ऊपर नॉर्मल एनिमेशन किया गया था, जिसकी वजह से 3D लेपर्ड की कॉस्ट बहुत कम आई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जंगल क्रूज के 3D लेपर्ड का एनिमेशन इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन जंगल बुक के 3D टाइगर का एनिमेशन बहुत ही जबरदस्त, स्मूथ और इतना रियलिस्टिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि पिछले वीडियो में आपने 2012 मूवी को फ्लॉप कैसे कह दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में 2012 मूवी को कभी भी फ्लॉप मूवी नहीं कहा। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि अवतार मूवी के सामने 2012 मूवी को न्यूज चैनल वाले प्रमोट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अवतार मूवी के सामने 2012 मूवी को कोई भी न्यूज चैनल प्रमोट नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि 2012 मूवी कोई फ्लॉप मूवी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि 2012 मूवी ने भी छप्पड़ फाड़ कमाई की थी। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, 2012 मूवी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अवतार मूवी और 2012 मूवी एक ही साल रिलीज हुई थी। 2012 मूवी अवतार के एक महीने पहले रिलीज हुई थी। 2012 मूवी 2009 में नवंबर में रिलीज हुई थी और अवतार मूवी दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, दोनों मूवी के रिलीज में ओनली 28 दिन का फर्क था, लेकिन 2009 में अवतार मूवी की हाइप इतनी ज्यादा थी कि 2012 मूवी को न्यूज चैनल वालों ने प्रमोट ही नहीं किया, फिर भी 2012 मूवी ने छप्पड़ फाड़ कमाई की थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रमोट ना होने के बाद भी 2012 मूवी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2012 मूवी का बजट था $200 मिलियन और अवतार की हाइप के बाद भी 2012 मूवी ने $800 मिलियन कमा लिए थे। 2012 मूवी की बात की जाए तो 2012 मूवी में विजुअल इफेक्ट के ऊपर पानी की तरह पैसे बहाए गए थे। दोस्तों, 2012 मूवी का विजुअल इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि इस मूवी को ऑस्कर में भेजने की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों, अफसोस, इस मूवी को ऑस्कर में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों, 2012 मूवी के सामने अवतार, डिस्ट्रिक्ट 9 और स्टार ट्रेक नाम की मूवी को नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन दोस्तों, विजुअल इफेक्ट का ऑस्कर अवतार मूवी को मिला था।
दोस्तों, लाइफ में पहली बार ऐसी मूवी देखी जिसको देखने के बाद दिमाग खराब हो गया। हाँ दोस्तों, उस मूवी का नाम है वन एंड ओनली हीरोपंती 2। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार मैंने देखा कि थिएटर में ज्यादातर ऑडियंस टाइगर श्रॉफ को गालियों पर गालियां दे रही थी। यहाँ तक कि टाइगर श्रॉफ के सुपर फैन भी टाइगर श्रॉफ के ऊपर गालियों की बरसात कर रहे थे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा कि थिएटर में बैठी हुई 100% ऑडियंस महाबोर हो चुकी थी। दोस्तों, ये टाइगर श्रॉफ की लाइफ की सबसे घटिया भंगार बवासीर मूवी है। मेरा एक दोस्त टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन है। मैं उसके साथ ही हीरोपंती 2 देखने के लिए गया था और वो भी टाइगर श्रॉफ को बहुत ही ज्यादा गालियां दे रहा था। मैंने मेरे दोस्त को इंटरवल में पूछा कि हीरोपंती 2 को कितना स्टार दोगे, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं हीरोपंती 2 को 0 स्टार भी नहीं दूंगा। दोस्तों, थिएटर में सबसे बड़ा जोक तो ये हुआ कि टाइगर श्रॉफ के सच्चे फैंस भी टाइगर श्रॉफ को गालियां दे रहे थे। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे आजू बाजू में बैठे जितने भी टाइगर श्रॉफ के सच्चे फैंस टाइगर श्रॉफ को ऐसी ऐसी गालियां दे रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि थिएटर में बैठी 100% ऑडियंस महाबोर हो चुकी थी। वैसे दोस्तों, अगर आपको हीरोपंती 2 देखनी हो तो देख सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो मेरी गारंटी नहीं है। हीरोपंती 2 देखने से पहले अपने बाजू में एक डॉक्टर को बिठा लेना, उसके बाद ही हीरोपंती 2 मूवी देखना, ओके? तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस